नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बैंकिंग हिल चैनल में। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लोज्ड अकाउंट या सेटल्ड अकाउंट, इन दोनों में क्या अंतर है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोन के लिए कस्टमर बैंक में अप्लाई करता है और जैसे ही बैंक अपने सिस्टम में क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो पता चलता है कि एक लोन सेटल्ड है। और जब सेटल्ड लोन दिखता है तब आइदर बैंक उस लोन को रिजेक्ट कर देता है या फिर अगर लोन सैंक्शन भी करता है तो हायर इंटरेस्ट रेट पे करता है। तो आपको जानना जरूरी है कि सेटल्ड लोन क्या है। अगर सेटल्ड लोन आपके सिबिल स्कोर में है तो फ्यूचर में लोन लेने के लिए आपको दिक्कतें हो सकता है। तो उससे पहले आप एक बार जान ले इस वीडियो देख के कि सेटल्ड लोन होता क्या है और क्लोज लोन सेटल्ड लोन में क्या अंतर है। जब कस्टमर बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, गोल्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो या फिर होम लोन हो, बैंक से लोन सैंक्शन होता है, लोन का पैसा कस्टमर को मिलता है, फिर कस्टमर अपना लोन एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक लोन को चुकाते हैं। जैसे लोन क्लोज्ड हो जाए, लोन चुकाना या रिपेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो लोन का जो रिमेनिंग बैलेंस होता है वो जीरो हो जाता है। बैंक उसके बाद कस्टमर को एक NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू करता है और अगर कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तो बैंक उसको एक लोन अकाउंट स्टेटमेंट भी देता है जहाँ पे फाइनली आता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट जीरो यानी कि लोन अकाउंट स्टेटस क्लोज्ड। और ये सिबिल में भी रिफ्लेक्ट होता है, एक महीने के बाद सिबिल में आता है कि वो लोन कब सैंक्शन हुआ था, लोन कब क्लोज हुआ था, लोन का प्रेजेंट स्टेटस होगा क्लोज्ड और लोन का रेसिडुअल अमाउंट होगा जीरो या आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा जीरो। ये हो गया नॉर्मल प्रोसीजर या कस्टमर लोन लेता है फिर उस लोन को चुका देता है। अब बात करते हैं दूसरा साइड की, यानी कि मान लीजिए कस्टमर बैंक से लोन लिया, अब लोन लेने के बाद लोन को चुका नहीं पाया। अगर लगातार 3 महीने तक कस्टमर EMI नहीं पे करता है उस लोन का तो बैंक उस लोन को NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट मार्क कर देता है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट मार्क कर देता है पर उसका रिकवरी प्रोसेस जारी रहता है। बैंक कस्टमर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा आई थ्रू फोन या मैसेज या लेटर के थ्रू, और इसके बाद इसके साथ ही साथ साथ बैंक रिकवरी एजेंट को भी इन्वॉल्व कर सकता है रिकवरी प्रोसेस के लिए। अब मान लीजिए वो लोन अकाउंट NPA में रह गया लगातार 1 साल तक, यानी कि 1 साल तक बैंक ने कोशिश किया पर उसका रिकवरी नहीं आया, तो बैंक क्या करेगा, उस लोन को राइट ऑफ कर देगा। तो चाहे लोन NPA में हो या राइट ऑफ में हो, बैंक अपना रिकवरी प्रोसेस जारी रखेगा। वो आइदर लेटर के थ्रू होगा या फिर विजिट के थ्रू होगा या कॉल, फोन, मैसेज या फिर रिकवरी चैनल के थ्रू भी हो सकता है, बट अपना रिकवरी प्रोसेस बैंक जारी रखता है उस लोन को रिकवर करने के लिए। अब मान लीजिए कि कस्टमर ने एक एजुकेशन लोन लिया था, एजुकेशन लोन लेने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिलता है तो पे नहीं कर पाएगा, या फिर मान लीजिए किसी कस्टमर ने लोन लिया था पर्सनल लोन, फिर लेने के बाद उस कस्टमर का कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया जिसके चलते वो ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाया और उसके चलते सैलरी उसको नहीं मिला, अब सैलरी नहीं मिलने से वो पे नहीं कर पाया। तो इन सब केसेस में अगर जहाँ पे जस्टिफिकेशन है या फिर एक्चुअल रीज़न है लोन पे ना पे करने का, बैंक उस टाइम पे कस्टमर को एक ऑफर देता है। मान लीजिए कि लोन अमाउंट है 5 लाख और इंटरेस्ट कुल मिला के आता है 7 लाख, तो बैंक कस्टमर को एक ऑफर दे सकता है कि कस्टमर जो टोटल आउटस्टैंडिंग या टोटल ड्यू है उससे थोड़ा कम अमाउंट पे करके भी लोन को क्लोज कर सकता है, क्योंकि कस्टमर की तरफ से बहुत मुश्किलें हो रहा है उस लोन अमाउंट को जुगाड़ करना। अब कस्टमर अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या फिर दोनों में नेगोशिएशन करने के बाद अगर जो भी अमाउंट फिक्स होता है उस फिक्स अमाउंट को एक्सेप्ट करके पे कर देता है तो बैंक यहाँ पे वो अमाउंट पे करके लोन क्लोज कर देगा। लेकिन ये लोन क्लोजर नॉर्मल क्लोजर की तरह नहीं होगा क्योंकि सिस्टम उसको क्लोज करने नहीं देगा। जो अमाउंट है लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, उससे कम अमाउंट कस्टमर पे कर रहा है बैंक को, तो बैंक क्या करेगा, बैंक यहाँ पे एक जो एक्चुअल लोन क्लोजर अमाउंट है उससे कम अमाउंट करके लोन को सेटल्ड दिखाएगा या फिर इसको बोलते हैं वन टाइम सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। इससे आपका लोन तो क्लोज हो जाएगा, आपको NOC भी मिल जाएगा, लेकिन जो बैंक अपने सिस्टम में दिखाएगा कि पूरा अमाउंट कस्टमर से रिकवर नहीं हुआ है और ये जो लोन था लोन अमाउंट का टोटल ड्यू था उससे थोड़ा कम लेके बैंक अपने बैलेंस शीट से लोन क्लोज कर दिया है, तो बैंक उसके बाद सिविल को ये इन्फॉर्म करेगा लोन क्लोज हो गया है थ्रू सेटलमेंट। तो सिविल में स्टेटस आएगा कि लोन क्लोज कब हुआ है, अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस जीरो है,
बट प्रेजेंट स्टेटस दिखाएगा वहाँ पे क्लोज्ड और ब्रैकेट में लिखा रहेगा सेटल्ड, या फिर अगर राइट ऑफ के बाद क्लोज होता है तो सेटल्ड उसके बाद आएगा राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ पोस्ट सेटल्ड। तो ये सेटलमेंट एनपी अकाउंट के लिए भी लागू होता है, रिटर्न ऑफ अकाउंट के लिए भी लागू होता है। जैसे लोन सेटल्ड होगा बैंक सिबिल को इन्फॉर्म करेगा और सिबिल में स्टेटस आएगा कि लोन हैज बीन क्लोज, यानी कि वहां पे दिखाएगा कि आउट प्रेजेंट बैलेंस जीरो और स्टेटस दिखाएगा क्लोज, लेकिन ब्रैकेट में लिखा रहेगा आइदर थ्रू सेटल्ड या फिर रिटर्न ऑफ पोस्ट सेटल्ड, ऐसा करके वहाँ पे एक रिमार्क्स रहेगा। और उस रिमार्क्स चलते बैंकर को पता चलता है कि इन्होंने पहले लोन को ठीक तरह से चुका नहीं पाया, तो उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है और फ्यूचर में उसका स्कोर घट जाता है, और जिसके चलते मैक्सिमम केसेस में लोन रिजेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता है, और कभी कभार लोन सैंक्शन भी अगर हो जाता है तो उसमें हायर इंटरेस्ट रेट अप्लाई होता है। तो आई होप ये जो नॉर्मल लोन क्लोज्ड अकाउंट और सेटल्ड अकाउंट दोनों में क्या अंतर है आपको पता चल गया है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।